Dili ka don. Dili ka don. Navid. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो मंगल जी नमस्कार, मैं जीतू बोल रहा हूँ। सर वो अच्छा। पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करनी थी मेरे को। कौन सी पॉलिसी सर? ये 5 ईयर प्लान है, इसे मैं समझाना चाह रहा था। नहीं ये नहीं चाहिए भाई, बहुत बेवकूफी है। सर आपकी वाइफ से बात हुई थी, वो इंटरेस्टेड थे, वो कह रहे थे कि आपसे बात कर ले एक बार। उसे क्या पता, पागल है वो, बेवकूफ है वो, दुनिया का थोड़ी पता उसे कुछ। सर आपके पापा भी वहीं बैठे थे, उनको तो इंटरेस्ट लग रहा था। वो पापा जी वो कौन से तहसीलदार है, उन्हें खुद नहीं पता, वो खुद बेवकूफ है एक नंबर के। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे हाथ में मेरी पॉलिसी की पेपर। तू क्या बताएगा, तुझे थोड़ी पता है, तू समय बड़ा बेवकूफ है यार। बताने सारे बेवकूफ है क्या? सारे बेवकूफ है, सब बेवकूफ है। हेलो सर आप पॉलिसी का फॉर्म मत भरिए, इसको मत देखिए आप, ठीक है? लेकिन ये तो भर दो, ये तो आपके काम की चीज है। क्या भर दो? ये 8वीं का फॉर्म, 7वीं बार भरोगे आप 8वीं का फॉर्म? हो गई आपकी 8वीं? दुनिया का बेवकूफ कहने चले यार, आपकी खुद की 8वीं हुई नहीं अभी। कितने थे मार्क्स लास्ट, कितने फेल हुए आप? बल्कि 8वीं क्लास तो खुद कह रही थी, ये बेगैरत आदमी फिर आ गया, वो शर्मिंदा है, वो बार बार कहती है फिर आ गया। ये देखो हो गई क्लियर? अबे तो तेरे घर से थोड़ी खा रहा हूँ, 8वीं पास नहीं हुई तो। पड़ोस वाले चिंटू को जानते हो आप? 9वीं क्लास में आ गया है वो। हाँ तो चिंटू को ट्यूशन वाले मिले अच्छे, या तो ट्यूशन वाला भी बता। शर्म नहीं आती आपके साथ के जितने बच्चे थे सारे टीचर बन गए आपके, आप भी पढ़ा रहे आगे, फिर दूसरों को बेवकूफ कह रहे हो आप? क्या आग लग रही है, तेरे से कुछ पैसे मांग लिए क्या? आपकी मार्कशीट आपके पापा कह रहे थे, मार्कशीट कहा है, अंडे की करेट है, इतने सारे पड़े में उसमें अंडे, फिर दूसरे को कहते हो? 7वीं के देख ले तो मेरे मार्क्स, फट के हाथ में आ जाएगी। कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं? 42% पे आप भाई, शर्म तो आती होगी जब 7वीं बैठते होंगे, सारे बच्चे कहते होंगे देखो कितनी बड़ी मूछें इस बच्चे की है। बात करने है, किससे बात करने, कौन बोल रहा है, नंबर बता अपना। नंबर में नंबर में 10 डिजिट है, तुमसे ना बोले जाएगा, तुमसे याद भी ना होने का है। 8वीं तो क्लियर होनी, नंबर याद लिखेंगे वो, सब पता चल गया मेरे को। रेगुलर स्कूल में जाते थे वहाँ तो क्लियर होनी 4 साल में, फिर ओपन स्कूल में जाने लगे, ओपन स्कूल वाले कहने लगे ये ड्रामा आया यार। ओपन में नंबर लाने में दिखना चाहिए, तू लाके दिखा दियो, 32% 38% में फट जाएगी। थोड़ी बहुत शर्म भाई की हो ना, अपनी वाइफ से ले लो नंबर, उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सुना है बीए पास है, 62% है। हाँ मैंने कराई है उसकी, उसे पूछ तो लो रंग जगह हुई किससे। नहीं किसने कराई, तुमने कैसे कराई है? जिंदा बैठा है उसको, पढ़ाया उसको। हाँ तो जब बीए की पढ़ाई उसे करवा रहे थे, अपनी 8वीं की भी कर लेते। 8वीं नहीं हो रही, और ना मेरी तो बीए तय है, बीए करनी है, चुटकियों में कर दूंगा बीए, समझ गया? मैं कभी आपको फोन नहीं करता, ये तो दूसरों को बेवकूफ कहते हो ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए दूसरों को। चलिए सपना तो यूपीएससी क्लियर करने का था, ये तो 8वीं की शर्म आनी चाहिए। आपके टीचर्स भी कहते हैं ये भगवान इसको निकाल दे, किस तरह हम देख देख के थके इसको, समझ गए आप? टीचर से इतना तो पूछ ले, एक्सी कैलकुलम मैं कितना एक्टिविटी में रहा आगे में, किसमें आगे रहता था, किसमें रहता था आगे, एक्सी कैलकुलम एक्टिविटी। सारे कुत्ते ये तो तेरे समझ नहीं आ रही, क्या कहेगा, पढ़ा लिखा है तू, समझ गए? दूसरों को बेवकूफ मत करो, और कह रहे हो तो तू पहले 8वीं क्लियर करो, समझ गए? बेकार नहीं कर रहा, 8वीं क्लियर जा, सारे सारे के सारे बेवकूफ। Dilly ka don, Dilly ka don, Navid, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. ये भाई साहब मैं कनाट प्लेस के पार्क से बोल रहा हूँ, ये पार्क में एक बैग मिला है, 25,000 रुपए कैश है इसमें, आपका है क्या ये? हेलो भाई साहब। हाँ जी सर, हाँ बैग जी, हाँ सर मेरा ही है वो। ओफो मतलब कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है सर, मतलब पूरे घर में इस बैग की वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच आपने फोन कर दिया सर। नहीं मैंने अभी यहाँ पे देखा है, मैंने कहा था भाई इसमें ना पर्ची भी पड़ी हुई थी, कई सारे मतलब नंबर भी थे, मैंने आपको भी डायल किया, ये आप ही का बैग है ये? हाँ सर मेरा ही बैग है सर जी। अरे हाँ संदेह फोन आया वहाँ से। हेलो मैंने यही देखा, मैंने कहा 25,000 रुपए कैश है यार इसमें, ऐसे खुला पड़ा हुआ है। मतलब आज ही बैंक से पैसे निकलवाए थे, और मैं मतलब दिमाग से निकल गया कि कहाँ है अब याद है आपकी फोन करने पे कि मैं पार्क में भी गया था, तो सकता है वहीं छूट गया हो। हाँ वही, वो खुला पड़ा हुआ है बैग, ये ब्लैक कलर का बैग है ना? हाँ हाँ ब्लैक कलर का है, लेदर का होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेदर का तो नहीं है, प्लास्टिक का था। प्लास्टिक का? अरे हाँ सुन रही हो, मैं प्लास्टिक का बैग लेके गया था क्या? हाँ सर अभी बताया बीवी ने, प्लास्टिक का ही ले गया था मैं, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का प्लास्टिक का, आप ही का है ना? जी जी। आर यू श्योर आपका है?
बैग है, ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बैग है और 25,000 रुपए कैश है उसमें। हाँ बिल्कुल, आप ही का है, सुबह ही निकाले। हाँ आप ही का है ना। 25,000 रुपए के लिए मैं झूठ बोल क्या? नहीं देना तो मत दो, बार बार एक ही बात पूछे जा रहे हो आप। नहीं मतलब आप ही का है ना। मेरा ही है, कितनी बार कहूँ। और इसके बराबर जो लाश पड़ी है ये किसकी है? मैं कांस्टेबल धीर पार बोल रहा हूँ कनाट प्लेस इलाके से। यहाँ पे अभी हम आए हैं, यहाँ पे पार्क में हमने छामनी डांस बना रखी है पूरी। पार्क में हमने देखा है एक बैग पड़ा है जिसमें 25,000 रुपए कैश है और एक लाश पड़ी हुई है। लाश की हालत इतनी खराब है मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। 25,000 रुपए कैश है, बराबर में लाश है, ये किसकी है? सर कौन से रंग का ब्लैक बैग बताया आपने? भाई ब्लैक कलर का बैग अभी तूने बोला है ना। नहीं सर, मेरा थोड़ा लाइट ब्लैक था। तो ये भी तो लाइट ब्लैक है। एक सेकंड, अरे वो प्लास्टर पे। ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तूने अभी खुद बताया बैग मारा है, बैग मेरा, मैंने 5 दफा पूरे, तूने खुद बोला, अपनी वाइफ से भी कंफर्म किया है। भाई यहाँ पे आओ और ये पुलिस वाले और आ रहे हैं, पूरा बयान दो, बैग किसका है, लाश किसकी है, सारी बात बताओ, वरना हम आएंगे आपके पास, ठीक है? अरे दीपाल, इन्होंने कबूल किया है कि इनका बैग है। हेलो सर, सर आई एम सॉरी सर। ये अभी तूने कहा, ये क्यों कहा फिर बैग हमारा है? सर वो सर हमें बैग जमा करना पसंद है सर। भाई बैग जमा करना पसंद है तो ये वाला क्यों? सर वो ब्लैक ज्यादा अच्छे लगते हैं सर। भाई बुरे काम का बुरा नतीजा है, इसलिए कहता हूँ लालच करना बंद करो, आप रोना बंद करो। मैं धीरपाल नहीं बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि लालच नहीं होना चाहिए इंसान में। इंसान में जिस दिन लालच बढ़ जाएगा वो जिंदगी तबाह हो जाएगी, लालची आदमी का कोई नहीं होता सर। हेलो हंस रहा है, है? बतमी हंस कैसे रहा है, बेगैरत इंसान, मेरा बैग है, लाश किसकी है? हेलो ये माई बोले ओ दिली माई। हेलो माई बोगे तेरे बच्चे जिए भाई बोगे वो तेरे भाई। कौन बोल रहे भैया? माई दीदी है। अरे पागल हो गया क्या? क्या नए तरीके निकाल लिए पैसे वाले? क्या भाई आज तबीयत खराब थी, बाहर नहीं निकला भाई। हाँ ये अब तुम ऐसे फोनों पे भीख मांगोगे? ये भाई अभी कुछ भी जमा नहीं हुए भाई। अरे पागल हो क्या, भाग वाग खा रखी है क्या तुमने? हेलो ये भाई तेरे हाथ जोड़ दो भाई। भैया हाँ भाई सुनो, एक मिनट रुको रुको, एक मिनट बात बताओ मेरे को। बोलो भाई। चेंज पड़ी आपके पास? ये चेंज भाई, दीदी के चेंज भाई। अच्छा आप ना परेशान मत हो, मेरे को जरा गुस्सा आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, जरा मुझे बताओ कितने की चेंज होगी आपके पास? भाई 2 दिन की मुश्किल से 325 350 की होगी भाई दे। अच्छा हाँ जी, 350 की है ना? हाँ जी। 500 में मुझे दे दोगे? 350 है ना आपके पास? हाँ जी। मैं आपको 500 दे दूंगी, है पूरे 500? नहीं भाई पूरे रख लेना, 500 के 500। मैं नहीं भाई। सुनो आ जाओ आप, कोई बात नहीं, पूरे 500 दे दूंगा। मैं नहीं भाई, मेरे को पता चलेगा भाई। 520 रुपए ले लेना। सब मांग दे आजकल भाई। 520 दे दूंगी मैं आपको, 20 रुपए फालतू। अरे 20 रुपए फालतू दे दे भैया, 350 के आपको 520 रुपए मिलेंगे। फोन कर दे। ये सुनो ना, सुनो मेरी बात, सुनो बड़ी जरूरत है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ऑन मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने में हेलो, दिस इज एन ऑटोमेटेड अडल्ट वॉइस मैसेज ऑन योर फोन। दिस इज एन ऑटोमेटेड अडल्ट वॉइस मैसेज ऑन योर फोन। ये आपके फोन पे एक ऑटोमेटेड अडल्ट वॉइस मैसेज सिस्टम है। ओह
प्लीज प्रोसीड इफ यू आर अबव 18. जारी रखें अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं. Yes. याद रखें ये अडल्ट मैसेजेस बच्चों के लिए नहीं है. Yes. Remember to keep the children away from these adult messages. Okay. Are you sure you're an adult? Yes. Yes. Please hear this adult message. Yes. अगर आप adult हैं, तो कहिए हाँ. हाँ. Please press 2 to hear all adult messages. नमस्कार. आने वाली 10 तारीख को 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपना वोट जरूर डालें. ये एक अडल्ट मैसेज है हर अडल्ट इंसान के लिए. जिसकी उम्र 18 से ज्यादा है वो अपना कीमती वोट सोच समझ कर लोकसभा चुनाव जो कि 10 अप्रैल को है उसमें डाले. अडल्ट मैसेज सुनने के लिए धन्यवाद. हमारे कस्टमर केयर कार्यकर्ता फोन लाइन पे आपके साथ. धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए. जय हिंद. हेलो. धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए. जय हिंद. हेलो. हाँ जी. बहन पागल हो तुम क्या? तो कुछ वोट का याद नहीं दिला रहे. वोट नहीं डालना 10 तारीख को? अबे तो वोट तो मैंने डालना ही था. तो कॉल ना करने से नहीं डालता. डालना ही था मैंने. बहन के तो वैसे ही डालता मैं. खराब कर रखा है.